दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को जेडीयू की अहम बैठक हुई। इस बैठक में आज जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अध्यक्ष पद संभालेंगे। बता दें, काफी दिनों से ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर अफवाहें चल रही थी। इस मामले को लेकर उन्होंने खुद भी बयान दिया था। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जेडीयू एक है। उनके इस बयान से लगा था कि वह इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, लेकिन अचानक उनके इस्तीफे ने सबको हैरान कर दिया। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पद छोड़ने की पेशकश की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पटना में संवाददाताओं से कहा था कि ये बैठकें हर साल होती हैं, ये सम्मान है, कुछ खास नहीं है, ये नियमित बैठकें हैं। अब इस फैसले में बड़े फैसले ने सबको हैरान कर दिया। इसके अलावा ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार पार्टी के नेता हैं और दावा किया है कि उनके भविष्य और नीतीश कुमार के साथ उनके मतभेदों के बारे में अफवाहें भाजपा के इशारे पर फैलाई जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मुझे इस्तीफा देना होगा तो मैं आपको यानी कि मीडिया कर्मियों को फोन करूंगा और आपसे सलाह लूंगा कि इस्तीफे में क्या लिखना है, ताकि आप भाजपा कार्यालय जाकर मसौदा प्राप्त कर सके। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए डेस्क रिपोर्ट।